नमस्कार, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी बहुत सारे व्यंजन में काम आता है, जैसे कि भेल बनाना हो, चाट पापड़ी बनानी हो, दही भल्ले के साथ सर्व करना हो या समोसा पकौड़ा हो। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ तक कि इसे हम बना के 8 से 10 दिन तक स्टोर करके आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम यहाँ पे सीडलेस इमली। ये बाजार में एकदम आसानी से मिल जाता है, इसका बीज निकाल के तैयार करके रखा हुआ होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, गर्म पानी में फूलने के लिए डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी को उबाल लिया है। उबले हुए पानी में हम ये सीडलेस इमली को डाल देंगे और इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही फूलने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसे प्रेशर कुकर में डाल के तो भी सीडलवा दीजिए, इसका पल्प जल्दी अलग हो जाता है। लेकिन हम इसे गर्म पानी में सोख करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर इसका पल्प निकाल के आपको दिखाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, अपनी इमली जो है वो फूल चुकी है। तो चलिए हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। पल्प निकालने का 2 तरीका होता है, या तो इसे आप मिक्सर जार में डाल के और इसे ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन उससे क्या होगा, इसमें जो व्हाइट वाले पार्ट है वो भी पीस जाता है। तो हम आपको हाथ से ही मैश के इसका पल्प निकाल के दिखाएंगे। हाथ से अच्छे से इसे मैश लेना है, ऐसे भी ये पल्प निकल जाता है। आप देख सकते हैं इमली के सारे पल्प निकल चुके हैं, क्योंकि ये सीडलेस होता है तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे, इस पे हमें झरने रखेंगे और ये जो पल्प है उसको इस पे डाल देंगे। अब हम इमली के पल्प को ऐसे अंगुली से करेंगे तो ये नीचे वाले बॉल में निकल जाएगा। तो बहुत आसानी से हो जाता है। हमने सारे पल्प निकाल लिए हैं, ये थोड़ा सा जो व्हाइट वाला पार्ट है वही बचा है। तो आप चाहें तो पानी डाल के इसे भी धो के डालिए, लेकिन ये इतना सा वेस्ट जाता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब हम इस फ्रेश पल्प को चटनी बना के दिखाएंगे आपको। हमने गैस पे एक कढ़ाही ले लिया है, कढ़ाही गरम कर लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, तेल को गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर जीरा, इस चटनी में जीरे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जीरा को हम चटकने देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, हींग से स्वाद बढ़ जाता है। दोनों को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये पल्प जिसे हमने निकाल के रखा है, तो हम धीरे धीरे पल्प डाल देंगे। अब हम फ्लेम तेज करके इसे उबलने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं इमली के पल्प को हमने कढ़ाई में डाल के उबाल लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे गुड़ यानी कि जैगरी। तो हमने 100 ग्राम इमली का पल्प निकाला था, तो 100 ग्राम यहाँ पे गुड़ ही यूज कर रहे हैं। गुड़ को हमें बड़ा सा नहीं डालना है, गुड़ को छोटा छोटा तोड़ लेना है, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ 125 ग्राम की गुड़ डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो। फिर इसे हम 2 मिनट तक उबालेंगे पल्प के साथ। पल्प के साथ हमने गुड़ को उबाल लिया है 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं कोई भी इसमें गुठली नहीं है, अच्छे से मेल्ट हो चुका है अपना गुड़, और ये अच्छा सा धार भी बना रहा है। अब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हम सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये तीखा लगे इसके लिए हम लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च आप डाल सकते हैं।
और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए हम डालेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर। ये बहुत ही टेस्टी बने इसके लिए हम सॉल्ट पाउडर डालेंगे। तो ये सूखा अदरक का पाउडर है, इसे हम डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर जिसे हमने दरदरा कूट रखा है। और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इन सारे मसाले को हम अब मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक और पकाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार होता है। हमने मसाला डालने के बाद इमली को एक मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं अपनी इमली की थिकनेस भी एकदम परफेक्ट हो गई है। ऐसी ही मार्केट वाली ही चटनी होती है, इसे बनाना तो बहुत आसान है और घर का हाइजीनिक बना के आप खाइए तो और मजा आ जाता है। और ये फाइनली अपनी चटनी तैयार हो गई। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, बनाना कितना आसान है, टाइम भी कम लगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। तो हम एक पकड़ की मदद से इसे एक बॉल में ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चटनी की थिकनेस है, कलर बहुत सुंदर आया है, चटनी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना कितना आसान है। और ये चटनी तो बहुत काम की होती है, इसे हम दही भल्ले पे डाल सकते हैं, चाट पे डाल सकते हैं, भेल पे डाल सकते हैं या समोसे पकौड़े के साथ भी हम खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है और इसे एक बार बना के हम स्टोर करके फ्रिज में 8 से 10 दिन आराम से खा सकते हैं। फ्रेंड्स होली आ रही है, आप इस चटनी को जरूर बनाइए और अपने फ्रिज में रख लीजिए। कभी भी गेस्ट आए या खुद खाने का मन हो फटाफट चाट पे दही भल्ले पे सर्व करके खिलाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।